ओके सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे, दिल्ली सरकार ने 4 मई को ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपया देने का ऐलान किया था, साथ ही साथ 72 लाख लोगों को 2 महीने के लिए फ्री राशन देने का ऐलान किया। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं, 2020 में जब हमारे भारत में लॉकडाउन लगा था उस समय ऑटो टैक्सी चालक के 5,000 रुपये अकाउंट में तो आए थे, लेकिन अब जो है वो अकाउंट जो है बंद हो गया हुआ है किसी कारणवश, या पैसे डाल नहीं रहे थे, अभी निकाल नहीं रहे थे, या फिर उसे किसी भी कारणवश अकाउंट बंद करना पड़ा। उस यूजर को यानी कि उस ऑटो चालक को पैसे कैसे मिलेगा, उसे फिर से आवेदन करना होगा, आवेदन फिर से नहीं करना होगा, फिर लेगा तो किस बेस पे मिलेगा, आज हम फुल डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से वाले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 4 मई 2020 को ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपया देने का घोषणा की और साथ ही साथ 72 लाख लोगों को 2 महीने के लिए फ्री राशन देने का ऐलान किया। लेकिन कुछ ऑटो टैक्सी चालक ऐसे हैं, 2020 में जब हमारे भारत में लॉकडाउन लगा था तो उनके अकाउंट में 5,000 रुपया दिल्ली सरकार की तरफ से आए तो थे, लेकिन अब जो अकाउंट जो है वो अकाउंट बंद हो गया है किसी कारणवश, या फिर उन्होंने KYC नहीं करवाया, या फिर काफ़ी टाइम से पैसे नहीं डाले। तो काफ़ी लोग ऐसे कमेंट आ रहे थे, कह रहे थे सर वो जो हमारा अकाउंट था पुराने वाले वो अकाउंट बंद हो गया तो किस बेस पे हमें पैसे मिलेगा, फिर से हमें नया अकाउंट खुलाना पड़ेगा, या अकाउंट खुलाया है तो उस पे आएगा। तो दरअसल मैं आपको बता दूँ, आपको यदि 2020 में पैसे मिले हैं और जिस अकाउंट में पैसे मिले वो अकाउंट आपका बंद हो गया, तो आपने किसी न किसी बैंक में अकाउंट तो खुलवाए होंगे। यदि आपने खुलवा रखे हैं और उसमें आपको आधार कार्ड लिंक है उस बैंक से, आप लोगों को यहाँ पे वेट कर लेना है, क्योंकि सरकार जो है पुराने डाटा के बेस पे ही यहाँ पे पैसे ऑटो टैक्सी चालक के अकाउंट में 5,000 रुपये भेजने का ऐलान किया है फिर से, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्वीट किया गया है। यदि आपका उस बैंक में आधार कार्ड लिंक होगा पुराने डाटा के बेस पे भी 5,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है, ये हम कन्फर्म नहीं कर सकते क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी बंद हो गया। यदि पिछले वाला अकाउंट यदि चालू होता तो बिल्कुल आसानी से आपके अकाउंट में आ जाता, लेकिन नहीं आता है तो आप लोगों को फिर से एक बार फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा transport.delhi.gov.in पे। तो बहुत ही जल्द लिंक को अपडेट किया जाएगा, तो देखते हैं लिंक को कब तक अपडेट किया जाता है। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट कर देना, इसका भी सोल्यूशन मैं बता दूंगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलन चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।